लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुबह का सूरज नए रंग लेकर आता है और वही सूरज दोपहर में नए रंग दिखाता है। शाम गए वही सूरज रात को आने का निमंत्रण देकर कहीं और चला जाता है। पेंटर बाबू एक ऐसे युवा कलाकार की कहानी है जो रंग बिरंगी दुनिया से रंग चुराकर बेकस और मजबूर इंसानों के चेहरों में रंग भरता है। भले ही उन रंगों में उसके अपने खून का रंग ही क्यों ना मिला हो। पेंटर बाबू कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो अपने जज्बात के ब्रश से तस्वीरें बनाता है, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, झूठ के खिलाफ सच के लिए, नफरत के खिलाफ मोहब्बत के लिए। अरे जाने जाना, मान ले मेरा कहना और कर दे हाँ, रानी बना के रखूंगा। शेरू शेरू डांटती है। अरे पगली, कब तक अपने नकली मामू नेकी राम के लिए अपने जिस्म का कीमती पसीना बहाती रहेगी है? और फिर फुर्सत मिलते ही अपने पेंटर बाबू के लिए खिचड़ी बना के लाती है। अरे मेरी जान, मेरी खिचड़ी तो तू है। रंगों से सूरत बनती भी है और बिगड़ भी जाती है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। पेंटर बाबू, तेरी सूरत तो आज मैं बिगाड़ूंगा। देख लूंगा। ये शेरू कौन था? मैंने फुटपाथ पर पलकर ऐसे बहुत से शेरू देखे हैं पेंटर बाबू। मैं जानता हूं मीरा, मगर तुम इस वक्त यहाँ क्यों चली आई? पेंटर बाबू, खिचड़ी। मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी खिचड़ी बहुत पसंद है, घर चल के खाऊंगा। अच्छा बाबू। अच्छा अब चलो, आज रात ग्वालियर जाना है। ग्वालियर? हाँ जानती तो हो, पिताजी ने बचपन से पढ़ने के लिए ग्वालियर भेज रखा है। चलो जी। तैयारी हो गई बेटा? हाँ माँ। कुछ फूल तो नहीं गया? नहीं माँ। नहीं? ये तस्वीरें जो तू 6 साल की उम्र से बना रहा है? हाँ माँ, इन्हें बनाने की सजा ही तो भुगत रहा हूँ। 6 साल की उम्र से पापा ने मुझे ग्वालियर हॉस्टल में भेज रखा है। माँ तुम बताती क्यों नहीं, ये कौन थी, कौन है और कहाँ चली गई? तू हॉस्टल चला जा, पता चल जाएगा। क्या माँ? शाम शाम बेटे, जल्दी करो, ट्रेन का वक्त हो गया है। नंदो सामान उठाओ, चलो बेटा। ठहर शाम, मैं किसी नजर उतार लूं। माँ ऐसी कौन सी बात है जो तू बार बार मेरी नजर उतारती है? माँ की बात माँ ही जानती है। अच्छा माँ जी तरह। अच्छा पापा जी तरह। बेटे मेरे दोस्त कैलाशनाथ की बेटी। सजनी तू छे? अरे तुझा नाम सजनी तो माझा नाम साजन। तू हूँ सुगरू? ए मणि बेन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है तिगड़े बगा। कहाँ? अरे तिगड़े बगा। अगर आपके जूते टाउत के जूते होते या फिर टाउत के सैंडल होते तो ना आप गिरती और ना आप फिसलती। You idiot कहकर वीको वज्रदंती बनाने वाली कंपनी की पब्लिसिटी कर रही है, सारे दांत दिखा रही है। You shut up.
मणि बहन सजनी सजनी ये डायलॉग तुम्हारे लिए यू शट अप मिस ये डायलॉग आपके लिए डायलॉग के बच्चे मैं मर्द मराठा आहे मैं ये पूछती हूँ क्या ये शरारत तुम्हारी थी अगर उठने में तकलीफ हो रही है मिस तो साजन हाजिर है ओ, गेट अवे लैला मजनू चीरी फरहाद हीर राजा लगता है लव एट फर्स्ट साइट आपने मुझे क्यों पकड़ा आप कितने लगी थी गिरती तो मैं गिरती आपका क्या जाता मैं किसी को गिरते हुए नहीं देख सकता असर तो इसी में है कि गिरतों को Shut up, you line मारू साजन ये जरूरी नहीं कि पुरानी शरारतें कॉलेज में आज भी दोहराई जाए माजा भेजा मतलब मेरे दिमाग में बात आई नहीं नया स्टूडेंट नया साथी होता है और उसके स्वागत के लिए केले के छिलके नहीं बिछाने चाहिए तो कोई और दूसरा तरीका प्रेम प्यार अपनापन अपना पेंटर बाबू ना जिगरी दोस्त ना अन्नदाता बचपन से इस अनाथ को खिला रहा है पढ़ा रहा है पर ये ना तो खुद लड़कियों के पास जाता है ना ये मुझे जाने देता है मर्द मराठा अगर इन दोनों का चक्कर चल जाए तो फिर शाम साजन और सजनी के चक्कर को तो नहीं रोक सकता सुनिए सुनिए मिस वाइट कपड़े मेरे सफेद हैं, लेकिन नाम मेरा रेनू है रेनू जय हिंद मिस रेनू वाह क्या नाम है आपका एक बात बताऊं क्या ये जो अपना पेंटर बाबू है ना पेंटर बाबू अरे मेरा मतलब है शाम जो गिरतों को देख नहीं सकता ये केला मेरा मतलब ये केले का छिलका उसी का है व्हाट हाँ मैं तुला सांगतो ये शरारत उसी की थी ओह I see. Yes. Better you see. मैं भी देख लूंगी मिस रेनू अगर आपने शाम को देखना है ना तो कल दिन में देखना पिकनिक है पिकनिक गुड अरे बसली पौर की बसली रे ओ मेरे देवा ओ मेरे साईं बाबा इन दोनों का चक्कर चला दे मैं मर्द मराठा तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे देवा हाथी और हथनिया इडियट मेरा नाम कोयल है कोयल अरे कोयल हो तो कुकू करो मिस्टर गोयल यस माय कोयल तुम कहता है तो कुकू दूसरा कोई बोलेगा तो थूकू तुम्हें सबक सिखाना था साजन को और मुझे शाम को अब इन दोनों को भांग के पकोड़ों का नशा चढ़ गया है ये नगोड़ा बड़ा टेस्टी है आपका मतलब है ये पकोड़ा बहुत टेस्टी है हाँ बहुत स्वाद है बहुत टेस्टी है मैंने ये पकोड़े अपने हाथ से बनाए हैं आपके लिए अपने हाथ से अपने हाथ से क्यों इसलिए क्या लिखा है ये लो लो नहीं लव 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 का मतलब प्यार गोयल यस मिस्टर गोयल सुनी उनकी बातें यस उन लोग का बात सुनकर ही तो हमको आ गया पसीना पसीना हाँ हाय मेरी हसीना मुश्किल है तुझ बिन जीना अगर मैं जीऊं तो समझ लेना कि मैं आदमी हूँ बड़ा कमीना Shut up! वो देखो यार कपड़ा शानदार है वो
यार कपड़ा शानदार है, सीने वाले ने किया कमाल सिलाई शानदार। नहीं यार, ना कपड़ा शानदार ना सिलाई शानदार, जिसने इसको पहना है वो लड़की शानदार है, वो लड़की शानदार है यार, लड़की शानदार है, ईमानदार है, बड़ी जानदार है यार, लड़की शानदार है। लाली से भी लाल उसके होंठ, पर लाली लगाए ना, पर लाली लगाए ना। काली रात से काली उसकी आँख, पर काजल रचाए ना, पर काजल रचाए ना। संगे मरमर से भी गोरी, संगे मरमर से भी गोरी, पाउडर वो लगाए ना, पाउडर वो लगाए ना। इसीलिए तो कहता हूँ के कुड़ी 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 शानदार है, ये कुड़ी शानदार है यार, कुड़ी शानदार है, ईमानदार है, बड़ी जानदार है, ओ यार लड़की शानदार है। बरस इस दिल को पाला, एक नजर में ले गई, देखते ही रह गए हम यारो, ये गई और वो गई, ये गई और वो गई। तो बड़ी मालक लो यारो, साफी में लिख लो यारो, तू ले गई क्या दे गई, क्या ले गई तू दे गई। इसीलिए तो कहता हूँ के मनी बहन ओ सॉरी अहमदाबाद, ये प्यारी शानदार है, दुलारी शानदार है, शाम लड़की शानदार है। ओ यार उहूं, ओ यार उहूं शानदार है। ला 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 ला। जब चलती है बाकी बाकी चाल, दिल करता है यूं यूं यूं, दिल करता है यूं यूं यूं, बिखराए जब लला जैसे बाल, बन जाते हैं सब मजनू, बन जाते हैं सब मजनू। लला लला पुकारू मैं बन में, मेरी लैला बसी मेरे मन में। लैला 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 पुकारू मैं मन में, मेरी लैला बसी मेरे मन में। वो लैला भी एक छोरी थी और ये भी छोरी है, फर्क इतना है यारो, लैला काली थी ये गोरी है, लैला काली थी ये गोरी है। अरे इसीलिए तो कहता हूँ ये मैम नहीं यार, गोरी शानदार है, ये गोरी शानदार है। थप्पड़ थप्पड़ यार, लड़की थानेदार है, ओ यार लड़की थानेदार है। यार लड़की शानदार है, ईमानदार है, बड़ी शानदार है यार, लड़की शानदार है, ओ यार लड़की शानदार है।
गोयल, कितना देर से तुम्हारा वेट करता है बेबी कोयल। सजनी, क्या कह रही हो तुम? वो केले का छिलका शाम ने नहीं, तुम लोगों ने फेंका था। मैंने रेनू को बोला कि वो शरारत तुम्हारी थी और वो तुमसे बदला ले। क्या? और उसने पकौड़ों में भंग मिलाकर तुमसे चोलापुरी कोलापुरी बदला ले लिया। सजनी, जब तक मैं उसे माफी ना मांग लूं, मुझे चैन नसीब नहीं होगा। इससे पहले कि सजनी रेनू की शिकायत में हाँ भरे, हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। अपने हॉस्टल का वो वार्डन है ना, वो टोपी वाला। Here is Mr. Goyal. Where is my Miss Goyal? तुम लोग जाकर मिलो अपनों से, और मिस गोयल जाकर मिलेगा अपने मिस्टर गोयल से। ओ गोयल, I love you. मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। किस बात की? वो बात जिसे यही खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। आज की बात तो आज इसी वक्त खत्म हो गई, लेकिन जो बात पहले शुरू हुई उसे चलने दीजिए। जी? सुना है आप तस्वीरें बहुत अच्छी बनाते हैं। बस यूं ही उल्टी सीधी लकीरें खींच लेता हूँ। वैसे एक अच्छा पेंटर, एक अच्छा कलाकार बनने की तमन्ना जरूर रखता हूँ। पेंटर बनने का शौक आपको कब और कैसे पैदा हुआ? जब मैं 6 बरस का था, और कारण एक भोली भाली लड़की। लड़की? हाँ, जब वो छोटी थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। वो वापस आई? कौन जाने। खैर छोड़िए। अच्छा एक बात बताइए, लोग आपको पेंटर बाबू क्यों कहते हैं? ये नाम एक पगली लड़की का दिया हुआ है। तो आपकी जिंदगी में कोई और लड़की भी है? जिंदगी का मतलब अगर आप दिल की दुनिया समझती हैं, तो उसमें वो लड़की नहीं। हाँ, उस मजदूर लड़की का नाम मीरा है, जो दो वक्त की रोटी और अपने नकली मामू की शराब के लिए लोहा कूटती है। लोहा? मीरा दीदी, मीरा दीदी, शेरू के अड्डे पर आज फिर तुम्हारे मामू को मार पड़ रही है। मामू तुम ठीक तो हो ना? इधर आ, नजदीका, और देख मामू के जख्म को। क्या? क्या इन लोगों ने आज तुम्हें फिर मारा? मारा? बहुत मारा। ऐसे मारा? क्या? नाम की मीरा और करम से चुड़ैल, आराम खोर, तुझे मालूम नहीं कि दारू को पैसे तूने देने? मैं पीता हूँ और जीता हूँ, और मेरी वजह से तू भी जिंदा है, वरना तेरे माँ बाप तो तुझे सड़क पर फेंक गए थे। रामखोर, पता किसने पाला पोसा है तुझे? बता कौन है तेरे माँ बाप? जो कुछ भी हो तुम ही हो। तो चुका दे शेरू के पैसे। बोल शेरू, इतना हिसाब है तेरा? जान बोलती रहोगी या कभी दोगी भी रुपया? मीरा ने हमेशा तेरा हिसाब छुपता किया है। अभी भी 200 रुपए बाकी हैं। किसके? उन बोतलों के जो तेरा मामा या गंगाजल समझ के चढ़ाता रहता है। शेरू, वो बोतलें जो मेरा मामा हमेशा पीता आया है, उनमें शराब नहीं बल्कि मेरे जिस्म का पसीना होता है जो लोहा कूटते हुए बहता है। ए, बंद कर अपना ये भाषण, वरना लगा दूंगा तेरे मामा की शराब पे राशन। माल लाइए कि नहीं? पूरे महीने की कमाई तो पहले ही दे चुकी हूँ, अब और कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? हमारी बिल्ली और हमसे ही म्याऊं। दरअसल इसे बिगाड़ने में उस पेंटर बाबू का हाथ है। वो तस्वीरें बनाने बाहर निकलता है और ये लकड़ी का फट्टा उठाए उसके साथ साथ घूमती है। राम जाने क्या क्या होता होगा, क्या क्या नहीं होता, तो वो तुझे पैसे क्यों देता है? बता, जवाब दे। साफ क्यों नहीं कहती कि तू उसकी मीरा है और वो तेरा श्याम, कृष्ण कन्हैया? मामू, पेंटर बाबू जो भी है मैं जानती हूँ। अरे तू जानती है तो मैं भी जानता हूँ, बना रहा होगा किसी तुझ जैसी की तस्वीर। हाँ, मामू,
राम, मैं सिर्फ इस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाते से ही नहीं, बल्कि उन सब की तरफ से जिन्हें पेंटिंग से, तस्वीरों से प्यार है, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। वेल डन माय बॉय। थैंक यू। कीप इट अप। माय लव, माय हीरो। ए मर्द मराठा, अब से तू मेरे दिल का दादा कोंडके है, कोंडके। मी दादा कोंडके, वो मराठी फिल्मों का ऑलराउंडर। पोटला विंडक है गुलगुलिया, वरदगाला लागली कड़, पानी थेम थेम गड़। सजनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना पेंटर बाबू पेंटिंग बनाते हुए कैमल की ट्यूब में से थोड़ा थोड़ा थेम थेम रंग निकालता है ना, बिल्कुल वैसे ही। पार चांगले। तिगड़े बगा, ये सब क्या है? हम दिखाकर तस्वीरें सबको, हर एक को अपनी जान का दुश्मन बना लेते। जी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मतलब हर तस्वीर में गरीबी, घुटन। हाँ, ये देखिए पसीना, पत्थर तोड़ते हुए मजदूर के माथे पे पसीना, अगर गंगा जल से ज्यादा कीमती नहीं तो कम भी नहीं। और ये देखिए, ये हाथ जीवन का प्रतीक है, मिसाल है, और इसकी हथेली पर ये चार चावल। चार चावल चार दिन की जिंदगी के लिए काफी है ना, समझ में आया? कि मेरे कहने का मतलब ये था कि आपके जिंदगी में खूबसूरती की कोई जगह नहीं। चार चावल चार दिन की जिंदगी, क्या ये खूबसूरत नहीं? खूबसूरती से मेरा मतलब है खूबसूरत हसीन चेहरे, देख कर उनकी नजर में ये असर होता है, जिस तरफ देखिए एक हुस्न नजर होता है। अरे अरे, बार बार नाक को तकलीफ क्यों देती हो? एक ही बार छुरी लो और काट डालो। यू शट अप। तीन दिन बाद हम लोग सब कॉलेज की तरफ से कश्मीर जा रहे हैं। मैं अपनी पसंद देखूंगा, तुम कश्मीर में अपनी पसंद देखना। हाँ तो अब्दुल्ला काका, क्या खासियत बता रहे थे आप गुलाब के इस पौधे की? रहे नाम अल्लाह का, इसमें हमेशा दो फूल खिलते, सिर्फ दो। ऐसा क्यों? अब डाली की बात, माली क्या जाने। इन फूलों को तोड़ता कौन है? जी कोई नहीं, रहे नाम अल्लाह का। मैं तो इन्हें किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता। तो इसका मतलब ये हुआ ये अपने आप मुरझा जाते हैं? कसम पाक परवरदिगार की, मैंने तो इन्हें कभी मुरझाते हुए भी नहीं देखा। मतलब? सुबह उठकर जब मैं पानी डालने आता हूँ तो मैंने डाल से गिरे जमीन पर एक दूसरे से चिपके हुए देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेम साहब, ऐसा ही होता है। रात को जरूर इन्हें कोई तोड़कर फेंक जाता होगा। अब या तो ये फूल जाने और या ऊपर वाले। श्याम, तुम इनकी पेंटिंग बनाओ। रेनु, पहले दो की बनाऊंगा फिर तीनों की। बाबू, अभी तीसरा कौन है? मैं जो हूँ। मेनका, कुछ फूल डाली पर खिलते हैं और कुछ दिल में। हाय, दिल ही की तो बात है। मेनका, दिल की बात दिल को लगी भी होती है और दिल लगी भी। आओ रेनु। श्याम बाबू, मौसम बहुत खराब है, पानी बरसने वाला है। पानी बरसने से पहले मैं ये तस्वीर पूरी कर लूंगा काका। लो बन गई तस्वीर। वाह वाह वाह, रहे नाम अल्लाह का, वही दो फूल वही डाली। मालिका का, जो भी चीज मेरे दिल को एक बार भा जाए वो मेरी आत्मा में उतर जाती, और फिर उसे कागज पर उतारना कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक कहते हो बाबू। बाबू, इससे पहले कि बरसात आए और पानी से रंग धुल जाए, चलो वो घर है उसकी रखवाली मैं ही करता हूँ। आओ आओ मेरे साथ, चलो बेटे आओ।
आओ चलो रेनू। इस मकान का नाम प्रेम कुटीर है, ये मुसाफिरों के लिए है। मालिका का अब हमें चलना चाहिए। नहीं बेटे नहीं, इन हालात में पुल पार करके शहर पहुंचना नामुमकिन है। आज की रात तो यहीं काटनी पड़ेगी। ओह नो माय गॉड, प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे, क्या सोच रहे होंगे लड़के और लड़कियां। सजनी दिन से रात तक प्रिंसिपल साहब यही पूछते रहे कि श्याम और रेनू कहाँ हैं, कैसे हैं। वैसे ही जैसे अपने गुजरात की कुमुद, कुमुद सुंदरी चंदन साबदन, और उनको देख रहा होगा गुजरात का महान त्यागी सरस्वती चंद्र। बैठ जाओ। इसीलिए तो मैं बैठी हूं। ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ सब कुछ अच्छा है। एक बात को छोड़कर। कौन सी? फासला। कैसा? मेरे और तुम्हारे बीच जो एक बालिश का एक हाथ का फासला है, मुझे ऐसे डस रहा है जैसे किसी पर 100 काले नाग एक साथ हमला करते हैं। वापस जाना चाहिए। अरे भाई जानती हो अगर रास्ते में पुल टूट गया तो क्या होगा? क्या होगा? राम नाम सत्य। अच्छा? दोनों मर जाएंगे। अच्छा है, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। वादा? वादा। भगवान, रेनू ने मुझसे और मैंने रेनू से वादा किया है कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। हाँ रहे नाम अल्लाह का। यहाँ एक फ्रेम खाली पड़ा था, मैंने तुम्हारी बनाई तस्वीर उसमें लगा। क्यों? ताकि तुम दोनों को हमेशा इन फूलों में देख सको। काका हमसे इतना लगाओ? तुम फूलों को प्यार करते हो और मैं फूलों को प्यार करने वालों से। श्याम रेनू, ये सब तुम्हारा काम है। लिखते हुए हाथ मेरे थे पर सहारा तुम्हारा था। रेनू मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं भी तुम्हें देख लूंगा। मैं देखूंगी, मैं देखूंगा, मैं देखूंगी रूठना 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 छोड़ दे मेरे यारा, रूठना छोड़ दे मेरे यारा। ना मैं गुड्डा ना तू गुड्डी, ना मैं गुड्डा ना तू गुड्डी, हम तो प्यार करेंगे, हम तो प्यार करेंगे। ना मैं गुड्डा
ना तू बुद्धि ना मैं बुद्धा ना तू बुद्धि पर है अभी इनका क्या है करना दुख तो कदम कदम पर है अभी इनका क्या है करना ढींग टांग टंग ढींग टांग बताया तुम दोनों सारी रात गायब रहे मैंने कहा ना हुजूर के रास्ता बंद हो चुका था। आई से यू शट अप। शाम और रेनु तुम दोनों चलो रेडियो से खबर मिली है कि यहाँ का मौसम और भी बिगड़ने वाला है और शायद तूफान आने की संभावना भी है तूफान तो आ चुका है तूफान के बच्चे हमें आज ही वापस जाना है और कॉलेज की छुट्टियों के बाद जो तूफान तुम पर आने वाला है उसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे समझे हेलो यस न्यूयॉर्क Rai Sahib speaking. Oh, good, 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 good. Good, thank you. Hello, London. Yes, Rai Sahib speaking. Every news is a good news. Huh? Hello, Bangkok. Yes, Rai Sahib speaking. Good, good, good. Huh? Hello, Hong Kong. Just hold on. Yes, Bangkok? Okay, okay, okay. Yes, Hong Kong? Rai Sahib is speaking. Good. Huh? Oh, no. Well, 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 well. Rai Sahib, achhi khabar hai na? Share market bilkul down ho gaya. Mandi aa gayi. Main to khair bach gaya. Lekin aap, Mr. Srivastav, aur Mr. Kailashnath, aap dono khatam ho. मतलब आप लोगों के शेर डूब गए कल राजा थे आज रंग हो गए अब हमारे क्या होगा राजा कुछ नहीं होगा आप लोग हमारे दोस्त हैं
नीचे मैनेजर के पास कुछ कोरे कागजों में दस्तखत कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। राय साहब। अरे डॉक्टर प्रकाश आओ आओ। जी मैं डॉक्टरी के सभी इम्तिहान पास कर चुका हूँ, अब एक सर्जन हूँ। और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। पहली नौकरी मुझे श्रीनगर के हॉस्पिटल में मिली है और मैंने मंजूर भी कर ली। मेरे मैनेजर का बेटा सर्जन प्रकाश नौकरी करेगा? अरे भाई करोड़ों रुपया चैरिटी में देते हैं, दान में देते। 25-50 करोड़ रुपया खर्च करके तुम्हें अस्पताल खोल देता हूँ, अपना काम बढ़ाओ और मेरा नाम। जी अब इस नौकरी के लिए मैं हाँ कर चुका हूँ, हाँ वादा रहा, आगे से आप जो कहेंगे वही करूँ। लेकिन डॉक्टर प्रकाश आप हेलो बेटी मैन का बोलो बोलो। अच्छा अभी आता हूँ। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और मेरी इकलौती बेटी में इनका एक तरफ, मैं तो चला घर। मेनका बेटी तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैंने जिंदगी में तुम्हारी हर खुशी पूरी की है और पूरी करता रहूंगा, लेकिन बताओ तो सही आखिर बात क्या है? श्याम। कौन श्याम? डैडी आपके दोस्त श्रीवास्तव का बेटा। क्या तुम उससे प्यार करती हो? लेकिन वो किसी और से प्यार करने लगा है। बेटे तुम्हारा बाप शतरंज की मोहरे चलाना जानता है, शाम तुम्हारा है और तुम्हारा रहे, वो इनकार कर सकता है, लेकिन शाम के बाप श्रीवास्तव का एक एक बाल मेरे पास की। डोंट वरी, मैं कल ये सब बात करूं। मैं समझी नहीं। अरे आज पहली बार राय साहब ने मुझे अपने दफ्तर नहीं बुलाया बल्कि वो खुद मेरे दफ्तर आए। अच्छा? हाँ, और कहने लगे कि वो अपनी बेटी मेनका की शादी हमारे बेटे श्याम से करना चाहते। सच? हाँ यशोदा, लेकिन सुनो श्याम है कहाँ? रेनू, मैंने 6 साल की उम्र में पहले ये तस्वीर बनाई थी, फिर ये और फिर बनाता ही चला गया। शाम तुम बड़े हो गए मगर ये छोटी की छोटी, वही सूरत वही चेहरा। रेनू, जिस चेहरे पर इंसान एक बार मर मिटे ना तो उसे दूसरा चेहरा कभी नहीं भाता। अच्छा तो तुम मरे इस पे और डोरे डाले मुझ पे। शाम तुम इस तस्वीर वाली लड़की से प्यार करते हो या मुझसे? दोनों से। बड़े चालू हो। माइंड योर लैंग्वेज रेनू की बच्ची, जानती हो ये कौन है? कौन? तुम। हाँ? मैं? हाँ तुम, मेरे पापा के दोस्त सेठ कैलाश नाथ की बेटी। तुम ये कैसे जानते हो? मेरी माँ जिंदाबाद, माँ ने हल्का सा इशारा किया और मैंने पता लगा लिया और कॉलेज में पहली मुलाकात में तुम पर मर मिटा। मैं अपने बचपन की तस्वीर लाई थी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए, लेकिन तुम बाजी जीत गए। रेनू। और रेनू रेनू तुम ठहरे गोरे और मैंने तस्वीर बना दी काली, कोयले से बनाई है ना? पर बाबू रंग ना तो मैं खरीद सकती हूँ और ना ही रंगों की मुझे पहचान है, लेकिन बाबू तुम्हारे चेहरे पे रंग ना ले आऊ ना तो मैं भी मीरा नहीं हूँ। हाँ पेंटर बाबू के माथे पर तिलक, अब लग रहे हो ना मीरा के शाम। जन्म जन्म से तुम मेरे शाम हो और मैं तुम्हारी मीरा। मीरा मीरा पेंटर बाबू कॉलेज बंद,
और आजकल छुट्टियां? पेंटर बाबू, आपकी इन छुट्टियों में इस मीरा की छुट्टी हो गई छुट्टी। आ शाम, कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है इसने। हाँ, हूँ तो मैं इसे लायक कि मेरी तस्वीर कोयले से बनाई जाए, पर इस तस्वीर में जो लाली का निशान है, इसने खून से लगाया, अपने खून से। ना 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 बाबा, ये तो रंगोली है, रंगोली। मीरा, मैं रंगों को अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा अंगूठा, उससे बहता हुआ खून इस बात का साक्षी है कि तुमने मेरे काले चेहरे को अपने खून से रंगीन बनाने की कोशिश की है। बाबू, ये ले पैसे रख। नहीं बाबू। देख, ज्यादा बड़बड़ मत कर। और सुन, कल या परसों मैं और रेनू तेरे हाथ की बनी खिचड़ी खाने आएंगे। अच्छा मीरा, अब चलो, माँ राह देखती होगी। शाम आ गया, अब अपने ही मुंह से उसे खुशखबरी सुना दीजिए। खुशखबरी? हाँ बेटे, वो राय साहब कल तक जिसका पांव हमारे सर पर था, आज उसने वो मौका दिया है कि अब हमारा पांव उसके सर पर रहेगा। जी हाँ, वो अपनी बेटी मेनका की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते। आप इनकार कर दीजिए। इनकार? जी। अगर मैंने इनकार कर दिया तो जानते हो क्या होगा? यही कि उनका पांव फिर आपके सर पर आ जाएगा। बेटी जरा सोचो, कितने बड़े घर में शादी होगी, दौलत मिलेगी, समाज में, सोसाइटी में हमारा सर ऊंचा होगा। आज तक इस शहर में मैं रईस नंबर दो हूं, पर इस रिश्ते के बाद मैं रईस नंबर एक हो जाऊंगा। मगर इस रिश्ते के बाद मेरी नजर में आप जीरो हो जाएंगे। नंबर एक वो होता है जिसका दिल अमीर होता है। आप राय साहब की चिंता मत कीजिए, मैं उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि क्या चीज है ये राय साहब। अरे बेटे शाम आओ, आओ आओ बैठो। मेनका बेटी, देखो शाम तुमसे मिलने आया। जी नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। ठीक है बैठो, पहले बताओ क्या पियो। जलालत के घूंट पिए, हजम नहीं हुए, इसलिए तो यहाँ चला आया। किस कमीने ने तुम्हें जिलेब किया? राय साहब, अब आपके सामने आपका नाम कैसे लूं? बेटे तुम्हें कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी तो आपको हुई है राय साहब। किस बात की? अपनी दौलत की। शाम, जिस आदमी को अपनी दौलत का गुमान हो उसकी औकात दो टके की होती है राय साहब। बेटे गुस्से को थूक दो। किसके मुंह पर? शाम, मैं जानता हूँ मेरे पिता आपकी मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकते। आप उनसे सब कुछ छीन कर उन्हें गलियों का भिखारी बना सकते हैं, लेकिन उनका बेटा जिंदा है, वो उन्हें ठोकरे नहीं खाने देगा। ये तुम क्या कह रहे हो? आप जाइए राय साहब, तिजोरी खोलिए और जाकर नोट गिनिए। बेटे सुनो तो, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे किसी से मिलना है। वो नमक हराम इतना कुछ कह गया और अब खामोश रहे डैडी। ये लड़का बाकी है और बगावत को कुचलना राय साहब को आता है। रेनू, अरे भाई देर आए दुरुस्त आए, पर देर से आने की वजह ये है रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। रूठना 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 छोड़ दे मेरे यारा। चिंता मत करो, कोई गांव की गोरी है। मरियो पेंटर बाबू, तुम ये नाम कैसे जानती हो? हमका 7 जन्मों से तंग कर रखा है तुहार प्रेम ने। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अरे तुम क्यों गरम हो थोरे? गर्मी तो हमको लग रही है। रेनू ये कोई पागल लड़की है। रेनू की बच्ची, तो तुम दोनों आपस में मिलकर मुझे पंटुष बना रही थी? अरे ओ पेंटर बाबुआ, हमका विदेशी कपड़े काटने लगे थे तो सोचा अपने देश का लिबास पहन लूं, तो मीरा से ले लिया। अरे जमीन पर तपती हुई रेत और पत्थर ही पत्थर, और आसमान पर आग बरसाता हुआ सूरज, और हमार बदन पर पसीना ही पसीना। तो बोलना मेरी हसीना, कहाँ ले जाऊं थारे को? बता दू। हम काले चले आ रहा ठंडी ठंडी, हम काले चले आ रहा ठंडी ठंडी, नहर के किनारे हम काले चले आ रहा ठंडी ठंडी, नहर के किनारे हम का के हम का हम का होटल बनाई दे ठंडी, नहर के किनारे हम का होटल, हाय हम का होटल, हाय हाय हम का होटल बनाई।
बैठे मोटर पे गोरी धक्का मारेंगे छोरे, बैठे मोटर पे गोरी धक्का मारेंगे छोरे, हम पाले चल यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हम का के हम का के हम का साहब, मैं आपका मतलब समझा नहीं। कैलाशनाथ, जंगल में राज शेर का होता है, और जिस जंगल में शेर ना हो वहां राज चीते का होता है। गीदड़ हो के इतनी भी बात नहीं समझते आप? साफ साफ कहिए राय साहब, तुम्हारी एक बेटी है जी, और उसकी सौतेली मां उससे अच्छा सलूक नहीं करती। ये मेरी बदकिस्मती है राय साहब। तुम्हारी किस्मत हमने बनाई थी जी, बनाई हमने और बिगाड़ी तुमने, ये मेरा दुर्भाग्य है। कैलाशनाथ, तुम्हारा एक एक बाल गिर गया। मैं चाहूं तो कल तुम्हें नीलाम कर सकता हूं, और नीलामी की बोली देगा श्रीवास्तव। कोठी और कार तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हें शहर में फुटपाथ पर भी जगह नहीं मिलेगी। बीवी तो दूर, अपनी जवान बेटी को लेकर कहां कहां भटकते फिरोगे? भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, सफेद और काले पैसे के बीच में भगवान को क्यों नीला पीला कर रहे? तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? मिस्टर कैलाशनाथ, तुम्हारी बेटी बिना हाथ धोए मेरे बेटे श्याम के पीछे पड़ी है, ये अच्छी बात नहीं। वो नादान है, मैं उसे समझा दूंगा। उसकी समझ में तब आएगा जब उसके हाथ पीले करके किसी और के साथ ब्याह दोगे। डैडी, वो दो बड़े रईस, उनकी शर्त यही है कि तुम श्याम से नाता तोड़ दो, कहीं और किसी के साथ शादी कर लो। इससे उनको फायदा? बगैर फायदे के बड़े लोग बात नहीं करते। डैडी, मगरमच्छ एक आदमी को खाता है, मगर ये खुदगर्ज दौलत वाले मगरमच्छ एक आदमी को नहीं कई खानदानों को खा जाते हैं। अरे तू कौन सी मगरमच्छ से कम है, पैदा होते ही माँ को खा गई और अब हमने कंगाल कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं आज शाम से मिल रही हूँ, वो सब कुछ संभाल लेगा। हाँ, ये तेरा वहम है, मैं इसे यकीन में बदल कर दिखाऊंगी। ये मुंह और मसूर की दाल बकमत,
से भगती ही नहीं, भोगती हो। भोगती हो। श्याम, मेरी तस्वीर ही बनाते रहोगे या मेरी तकदीर का भी सोचोगे? तकदीर बनाने वाला ये शाम नहीं, वो शाम है, मुरली वाला। राय साहब मेरे पिताजी को बर्बाद कर देगा। उस मोटे की तो ऐसी की तैसी। मोटा हो या खोटा, मगर असलियत तो ये है श्याम, कि वो ये चाहता है कि हमारी शादी ना हो। हमारी शादी होगी, लेकिन मेरे पिताजी का क्या होगा? क्या करेंगे वो? वो कन्यादान करेंगे। ये देखो तस्वीर, कैसी है? मुझसे बहुत खूबसूरत है। ये तस्वीर तो तुम्हारे पैरों की धूल भी नहीं, बहुत बदसूरत है। हूं ना मैं एक थर्ड क्लास पेंटर? अगर ये तस्वीर इतनी ही बदसूरत है तो लाओ मुझे दे दो। दूंगा तो तुम्हें ही, पर आज नहीं। फिर कब? जब शहनाइयां बजेंगी, जब तुम दुल्हन बनोगी। मेरा मतलब है ये तस्वीर तुम्हें शादी पे दूंगा। शाम, हमारी शादी होगी ना? तुम्हें कोई शक है? मैं पिताजी को विश्वास दिला के आई हूँ कि शाम सब ठीक कर देगा। रेनू, अगर विश्वास दिलाकर आई हो तो मेरा विश्वास करो। साजन, साजन उठो, शाम से बात कर लो। ओ बहन जी, जरा बहुदा सर लाना। क्यों? ओ इस बीच ठंडा पानी है, बहुदा सर पे पड़ने दो। सजनी, हाँ? छतरी तो लाना। छतरी? बहुत जोर की बारिश हो रही है। बारिश? मानसून आ गई। इसे क्या हुआ? इन्हें पता चला है कि आप लोगों ने आगे पढ़ने का इरादा छोड़ दिया, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एक होटल में इन्हें बार टेंडर का काम मिला है, मेरा मतलब जहाँ इन्हें नौकरी मिली है वहाँ लोग शराब पीते हैं। अरे लोग तो पीते हैं, पर इसने क्यों पी रखी है? जिन्होंने इन्हें काम दिया था उन्होंने खुशियां मिला दी। छोड़ मजा हाथ मला पीने दे, छोड़ मजा हाथ मला पीने। अबे उल्लू के पट्टे, मैं शाम हूँ शाम। शाम वाला माई थे रेनुआ, तू उसको फांसे ला। अभी अपन तेरे को एक सीक्रेट बोलते हैं, किसी को बोलने का नहीं है। वो लड़की है ना सजनी, सजनी अपन उसको फांसे ला। शाम, वो अपन को जिधर नौकरी मिले ला ना, उधर से अपन एडवांस पगार ले ला। एडवांस कैश रोकड़ा तेरे को मांगता है ना, रख। कीप इट। बाबू कमलदीप, आप राय साहब के पुराने नौकर हैं और मैं आपका। इस बार मुझे रकम मिली है शाम को सबक सिखाने के लिए। चिंता मत करिए, काम हो जाएगा। अब आप देखिए शेरू के भेजे का कमाल। चले इसे संभाल के रखो, हम जरा मीरा के यहाँ जाके आता है। शेरू? ओफो, अरे डार्लिंग, तुम मीरा के नाम से इतनी चिढ़ती क्यों है? अरे शादी तो हम तुमसे ही बनाएंगे। मीरा के यहाँ तो इस वक्त हम इनके काम से जा रहे हैं, क्योंकि श्याम श्रीवास्तव इस वक्त वहाँ है। श्याम, तुमने ठीक कहा था। मैंने जब भी कहा सच ही कहा। वाह वाह, क्या खिचड़ी थी। पर मीरा, तुमने तो खाई नहीं। मेरी खिचड़ी पर, जी मेरी खिचड़ी पर पहले हक आप पाए। अच्छा मीरा, चलते हैं। अच्छा मीरा, छोड़ दो मेरी बेटी को।
यहाँ तो बैटरी गई, यहाँ लगता है स्टार्टर में कुछ गड़बड़ है। पेंटर बाबू, वो मेरी दीदी को उठा ले गए। कौन है ये लोग? शीरू के आदमी। तुम लोग दूसरे कमरे में जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। मामा, पहली धार का है। मैं तो जन्नत की सैर कर रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ करना है करो। अरे जाने जाना, मान ले मेरा कहना और कर दे। हाँ नहीं, अरे नहीं क्या, आज तो शेरू तेरी नाको हाँ में बदल कर ही रहेगा। खोल दूंगा। आराम के औलाद, आज से तो शेरू की है। दूसरों की तस्वीरें बनाता है, आज मैं इसकी सूरत बिगाड़ दूंगा। मीरा को उठाकर ले जा रहे थे। शाम ने तो मुझे आपको फोन करने के लिए भेजा था। ये चुनरी, ये उसकी निशानी है। इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे भी चाकू इसी पेंटर बाबू ने मारा है सरकार। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, बकवास है। इसे हॉस्पिटल ले चलो और इसे गिरफ्तार कर लो, लगा दो हथकड़ी। जूली डालेंगे हम, बोला नाम से गलती हो गया। कल हम अपनी जूली डार्लिंग के लिए एक नया ड्रेस लाएगा और जिधर जूली डार्लिंग बोलेगा उधर उसे शादी बनाएगा। सच? देखा आपने, भेजेगा कमाल। इसके मुंह पर तुमने जो तेजाब डाला है उससे इसका मुंह जल जाएगा, सड़ जाएगा। अब जब पुलिस आएगी इसकी लाश निकालेगी तो पहचान नहीं सकेगी, उनको लगेगा कि मीरा की लाश है। अब साले पेंटर बाबू पे एक नहीं दो दो खून का इल्जाम होगा, जूली का, मेरा मतलब है मीरा का भी। योर ऑनर, चश्मदीद गवाहों के बयान को सुनने के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि मुलजिम श्याम श्रीवास्तव ने दो दो कत्ल किए हैं, और इसका सबूत है
चाकू पर उंगलिया के निशान और मीरा की चुनरी। कमलदीप राय साहब, वो ऐसा, मैंने शाम को सबक सिखाने के लिए कहा था, उसे कातिल बनाने के लिए नहीं। राय साहब, हालात कुछ काबू से बाहर हो गए थे, लेकिन अब चिंता न कीजिए, शेरू हमारी खिदमत में है। हेलो। अरे भाई श्रीवास्तव, चिंता किस बात की, शाम मेरा होने वाला दामाद ही नहीं, मेरा बेटा भी है। मगर राय साहब, होगा क्या? अरे भाई क्या होगा, शाम रहा होगा। अरे कौन सा जज है जो मेरी मुट्ठी में नहीं है, लेकिन हाँ, शाम के रिहा होने से पहले रेनू का ब्याह हो जाना चाहिए, समझे? जी, समझा। बेस्ट ऑफ लक। साहब, ये लाख रुपया। रिश्वत? रिश्वत नहीं, तोहफा, शाम को कल बरी कर दीजिए। तो आप मुझे ही नहीं, कानून को भी खरीदने का इरादा रखते हैं, मिस्टर राय साहब, मिस्टर श्रीवास्तव। हिंदुस्तान के कानून की अपनी कीमत है, अदालत की बात अदालत में होगी। अदालत केस के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि अमीर बाप का बेटा होने की हैसियत से मुलजिम श्याम श्रीवास्तव ने अपनी वासना को पूरा करने के लिए कानून को अपने हाथ में लेकर मीरा और उसके मामा नेकी राम का खून कर दिया। लिहाजा अदालत श्याम श्रीवास्तव को फांसी की सजा देती है। To be hanged till death. देख लिए कुड़की के कागजात, घर बिक जाएगा, हम नीलाम हो जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे, और वो भी आपकी चुड़ैल बेटी रेनू के लिए। अगर इजाजत हो तो एक हल्का सा इशारा करूं सेठ कलाशनाथ। बोलो कमलदीप। अगर राय साहब लगाना चाहें तो उनके पास हर ताले की चाबी है। मतलब? मतलब ये कि ये कुड़की के कागजात भी फट जाएंगे और शाम की जान भी बच जाएगी। वो कैसे? राय साहब के पास शाम की जान बचाने के लिए सारे सबूत मौजूद। मतलब? एक हल्का सा इशारा और सेठ जी, अगर आपकी बेटी रेनू राय साहब से मिलकर बात करे तो एक बात नहीं, बहुत सी बातें बन जाएंगी। क्या बात है रेनू बेटी, कुछ तो बोलो। राय साहब मदद कीजिए। मदद करना तो राय साहब का धर्म है। शाम को बचा लीजिए। मैं शाम को बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त। कौन सी? मैं शाम को बचाऊंगा तो सिर्फ अपनी बेटी मेनका के लिए। राय साहब, इससे पहले कि शाम फांसी के फंदे से बच के बाहर आए तुम शादी कर लो। जी? अच्छा लड़का है, मेरे पुराने मैनेजर का बेटा है, डॉक्टर, डॉक्टर प्रकाश। मगर इसका क्या सबूत है कि शाम बच जाएगा? ये देखो, शेरू ने मीरा के नहीं जूली के मुंह पे तेजाब फेंकवा कर उसे गठर में फेंका था, और अब ये देखो, मीरा आज भी जिंदा है। शाम बच जाएगा राय साहब, मैं जानती हूँ वो बेगुनाह है। मगर उसकी बेगुनाही का सबूत सिर्फ मेरे पास है। राय साहब, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ राय साहब, मैं जानती हूँ कि आप वो सौदागर हैं जो अपना एक पल देकर दूसरे का एक जन्म गिरवी रख लेता है, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैं आपकी बेटी समान नहीं? अगर भाषण देना पड़े ना तो मैं भी चिल्ला चिल्ला के यही कहूंगा, इस देश की हर बेटी मेरी अपनी बेटी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी। ब्लड इज थिकर देन वॉटर। जी? तुम्हें अपनी खुशी चाहिए और मुझे अपनी, और मेरी खुशी मेरी बेटी मेनका की खुशी में, और मेनका की खुशी है शाम। राय साहब, रेनू, अगर फैसले में और वक्त बर्बाद किया तो शाम को फांसी हो जाएगी और उसकी मौत की असली जिम्मेदार होगी तुम। नहीं राय साहब, नहीं, नहीं, नहीं। तुम आज डॉक्टर प्रकाश के साथ शादी करने के लिए हाँ, और फिर तुम देखो मैं शाम को किस तरह बचाता। वादा? राय साहब, वादे का ही तो पक्का है। राय साहब,
शाम की जिंदगी के लिए मुझे आप नर्क में भी झोंक दे तो भी मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। शाम तीनू कैसी हो? आज मैं बहुत खुश हूं छोटी। सच जब फांसी का फंदा मेरे गले में है तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरी रेनू खुश है? श्याम खुशी तो इस बात की है कि तुम बच जाओगे। अगर ये बात झूठ भी है ना तो भी मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं रेनू। इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मेरा इंतजार करना। श्याम मेरा विश्वास करो श्याम तुम बच जाओगे। मैं बचकर जीऊंगा तो तुम्हारे लिए, बचकर मरूंगा तो तुम्हारे लिए। श्याम रेनू, रेनू आज एक वादा तोड़ दो। कौन सा? साथ साथ जीने का, साथ साथ मरने का। वादा निभाने के लिए होता है शाम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। रेनू अब देखते हैं जीत किसकी होती है। मतलब? अंदर फांसी की रस्सी को मेरा इंतजार है और बाहर तुम्हें, लेकिन तुम्हारा प्यार जीत जाएगा। रेनू हमें मौत भी अलग नहीं कर सकती। रेनू अदालत ने मेरी नहीं सुनी लेकिन मैं जानता हूं मीरा जिंदा है, उसका ध्यान रखना। जाने जाना। ये देख क्या लिखा है अखबार में, शाम के बाप की अपील सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी। कल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है और परसों सुबह उसको फांसी। बरसा पानी रे, टूट के बरसा पानी रे, झूम के बरसा पानी रे, टूट के बरसा पानी रे। नहीं
आज आखिरी मुलाकात, समझ में नहीं आता तुझसे बात करूं या तुझे देखती रहूं। माँ, तुझे जमाने की नजर खा गई। नहीं माँ, माँ याद है बचपन में जब कोई मेरी तारीफ किया करता तो तू मिर्चे लेकर मेरी नजर उतारा करती और कहा करती, यही शाम तो राम की अमानत है। अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए। क्या कुछ नहीं किया, शेरों के सामने अपनी सारी दौलत रख दी पर वो अपने बयान बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तकदीर से कैसा तकरार। मां, आज रेनू फिर नहीं आई। कल उसकी शाम क्या कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी वो नहीं आई। नहीं, मुलाकात के कमरे में साजन मिलने आया था, मैंने उसे आखिरी कोशिश के लिए कहीं भेज रखा है। अबे जान डान, अगर ये माल भी नकली निकला ना तो मार मार के जान डान का पान बना दूंगा, समझा? ये असली है। ठीक है, बताता हूँ असली है। साले इसमें भी मिट्टी का तेल। क्या, कौन, कब और कैसे मरता है किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। इस रामपुरी को रामपुरी पार्सल करता तो अच्छा है। क्या? तो तुम्हारे गले का नाम रामपुर है। भैया देखो, ये सब मारपीट, चाकू वाकू, ये सब गांधी जी के उसूलों के खिलाफ है। आ गई नानी याद? आ गई, आ गई। मैं अपनी नानी को अपनी गोद में खिलाया करता था। क्या? मेरे बाप, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरी नानी मुझे अपनी गोद में खिलाया करती थी, लोरियां गाया करती थी और मुझे सुलाया करती थी। चल चल, दारू की जो दो बोतल फोड़ी, उसका माल निकाल। पैसे नहीं है, इसी काम में तो दारू पीने आया था। पॉकेट के पीने को आया था, बाप का माल समझा साले? बाप का नहीं, भाई का। अगली राखी पर मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। बांधूंगा, बांधूंगा। तो आदमी है क्या औरत? आदमी ना औरत, बीच वाला। साला शक्ल से भी कुछ ऐसा ही लगता है। आठ, बेहोश हो गया साला। डॉन जी, जब ये कबूतर होश, इसे उठा के बाहर फेंक देना, मैं जा रहा हूं। कहाँ मास्टर? अपनी जाने जाना मीरा के पास। मान गए मास्टर, अदालत में तो तुमने साबित कर दिया कि मीरा मर गई है, मगर तुमने उसे भिंडी बाजार के अड्डे पे ले जाकर ककड़ी बना के रखा हुआ है। भिंडी बाजार, सालावर राय साहब अगर एक नंबरी रईस है तो हम भी एक नंबरी दादा है। जूली के कत्ल के सबूत को हाथ में लेकर बड़ा अपने आप को 30 मार का समझ रहा था, मेरा एक ही फोन सुनते छुट्टी हो गई साले की। मतलब? अरे अब वो जान गया है कि अगर उसने ये सबूत मेरे खिलाफ इस्तेमाल किए तो खुद ही फंसेगा, और अब वो राय साहब क्या, कमलदीप क्या, उनके फरिश्ते भी मेरे नजदीक तक नहीं पहुंच सकते। क्या, क्या कहा उसने? अपना अड्डा बदल लिया, इसका मतलब उसकी नीयत बदल गई। जी ठीक है बच्चे, एक घंटे के अंदर वो मेरे कदमों में होना चाहिए। चलो तलाश करो वो कहां है। अरे जाने जाना, आज की रात तो बड़ी मुबारक रात है। 5 बजे तेरे पेंटर बाबू को फांसी लग जाएगी। वो देख 4 बज गए। अरे जाना, अब तो तू हमेशा के लिए मेरी बन जाएगी। अरे जान, लग जा गले। नहीं
लेकिन लेकिन हमारे अंगना में इनका क्या काम है? अरे वाह वाकई, अरे सुना सबने? आ गले लग जा। हाय हाय। शिवाजी महाराज, मर्द मराठा को जरा शक्ति दो और हर महादेव। गोविंदा आला रे आला। गोविंदा। हाँ पुलिस। अपने आने से पहले पुलिस थाने में रपट लिखा के आया था। गोविंदा काका दरवाजा तोड़ दो। श्याम बाबू, सुबह के 5 बजने वाले हैं, जागो। मैं सोया ही कब था। से तो बच गया, लेकिन शाम है अभी अदालत, फैसला उसी के हाथ में होगा। मुझे मुझे शाम के पास जाना है। रेनू, मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। जी। शेरू अभी भी मेरे कब्जे में, वो शाम को वापस फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। हलाई इसी में है कि लौट जाओ, दुल्हन बनो, स्टेज पर बैठो, जल्दी जाओ और शादी को रोक दो। ब्याह की सब रस्में पूरी हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। गाओ खुशी के गीत।
आतिशी की हार हुई है, आतिशी की जीत हो, गाओ खुशी के गीत। देखो तो कितना खुश है जमाना, दिल में उमंग लपतराना, दिल जो दुखे आंसू न बहाना। ये तो यहाँ का ढंग पुराना, इसको मिटाना उसको बनाना, इस नगरी की रीत हो। श्याम, रेनू इस वक्त कमरे में अकेली है, उसे मिल लो। शादी मुबारक हो। याद है कभी किसी वक्त झूठे प्यार के पलों में मैंने ये तस्वीर बनाई थी, और मैंने वादा भी किया था कि मैं ये तस्वीर तुम्हें शादी वाले दिन ही दूंगा। रेनू, मेरी तरफ से ये तोहफा स्वीकार करो। बस करो यार, और कितनी पियोगे? शाम सिगरेट उल्टी है, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, तुम हो किस दुनिया में? कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरे दर कभी तर बदर, रमेश तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। आज उसकी सुहागरात है, सुहागरात। दुनिया में किसी को भी तब तक सुहागरात मनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जब तक वो एक दूसरे को जान ना ले, प्रेम की सीमा पार ना कर ले। रेनू, मैं एक सर्जन ऑपरेशन करता हूं, आदमी हो या औरत, उसका जिस्म चीरकर उसकी बीमारी जान लेता हूं। और हां, ये याद रखना, मैं ऑपरेशन थिएटर में मौत को मारकर मरीजों को बचा लेता हूं। मैं, मेरा नाम प्रकाश है और मौत अंधेरी है, इसीलिए मुझे हार बर्दाश्त नहीं। मैं जीतना चाहता हूं और जीत कर रहूंगा। मैं बहुत बकबक कर गया, तुम कब से थकी हुई हो, और मैं आज थका हूं, सो जाओ। Good night. बाबू, 10 दिन हो गए, आपने एक पल भी अपनी आंख को नहीं झपकाया। नींद नहीं आती मीरा, खाना भी तो नहीं खाया, भूख नहीं लगती मीरा। बाबू, ये लो अपनी मनपसंद खिचड़ी, मैंने बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना मीरा? मेरी पसंद तो मतलब ही है, मतलब ही। बाबू, जो हुआ उसे भूल जाओ, आप अपना सोचो, माँ जी का सोचो। माँ, माँ का ही तो सोचता हूँ कि उसने मुझ जैसे बदनसीब को जन्म क्यों दिया। आप नहीं सोते, माँ जी भी नहीं सोती, आप नहीं खाते, माँ जी भी नहीं खाती। माँ ने आने खाना नहीं खाया ना। लाओ, लाओ ये खिचड़ी, मैं भी खाऊंगा, माँ भी खाएगी। लाओ। राय साहब, श्याम और मेनका की शादी कितनी जल्दी हो सकती है? अरे कल मंगनी परसों ब्याह। थैंक यू श्रीवास्तव।
ये शगुन के 50 लाख रुपए और वो जो 14 करोड़ के शेयर तुम्हारे बाहर गिरवी थे वो मैंने खरीद लिए। ये लो 7 करोड़ के शेयर, आज सगाई में आधे, कल शादी में पूरे। श्याम की मां, 50 लाख रुपए और 7 करोड़ रुपए के शेयर? श्रीवास्तव, ये 50 लाख रुपए और वीआईपी के बैग में डाल के लाया हूं, अपने वीआईपी दामाद के लिए। पापा, ये सब क्या है? मेरे सर का आधा बोझ। मां, तेरे बेटे के आधे जीवन की कीमत 8 करोड़ रुपया, सगाई तक, कल शादी होगी तो 7 करोड़ और मिलेगा, यानी के 15 करोड़। क्यों ना ऐसा? हाँ बेटे, ठीक है ना? मां, बोल किस कीमत पर बेचना अपने बेटे को? ना मीरा, तुम्हें पूछना मां से कि किस मोल बिकू मैं? बाबू। पापा, अरे भाई, इतना कुछ मिला है और पैसे के अलावा जो लोग इज्जत दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, उनके बारे में सोचो। पापा, ये गुंगा रुपया वो जुबान बोलता है जो हर मुल्क, हर प्रांत, हर सूबा समझता है। यस, मनी स्पीक्स द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय ऑल। ये रहे शहर के रईस नंबर 1, जो शहर के रईस नंबर 2 के बेटे को दौलत से खरीदना चाहते हैं, और ये रहे शहर के रईस नंबर 3, जिनकी बेटी दौलत के लिए। शाम, पापा, अगर दौलत को गुलाम बनाकर रखो तो दौलत अर्जुन है, और अगर आप खुद दौलत के गुलाम बनकर रहोगे तो दौलत दुर्योधन है। दुर्योधन, what do you mean? I mean, money is a good servant, but a bad master. शाम बेटे, गुस्सा थूक दो। किसके मुंह पर? मैं राय साहब की बेटी मेनका से शादी करूंगा और करोड़ों का मालिक बन जाऊंगा, और फिर शादी के बाद इसे एक धक्का मार के गलियों में फेंक दूंगा, क्योंकि इन सब की साजिश ने मेरी जिंदगी को धक्का मारा है। मां, मैंने धोखा खाया है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मां, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे मैं प्यार नहीं दे सकता। शाम, तुम खुश में तो हो? जी। तुम्हारी शादी मेनका से होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबा, मैं अपना फैसला भी सुना चुका हूं। आप क्या कर रहे हैं? जाओ यहां से। तुम्हें इस घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? इज्जत या रुपया? जवाब दीजिए, इज्जत या रुपया? हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रहा है, जवाब दीजिए। आज से मैं इसके लिए मर चुका हूं, ये मेरे लिए। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। थैंक यू पापा। रोक लीजिए, रोक लीजिए उसे। श्याम, श्याम। यशोदा, पहाड़ में जाने दो उसे। माँ जी, आपने खिचड़ी के लिए कहा था ना, खिचड़ी बन गई। बेटी, ये खिचड़ी मैंने अपने लिए नहीं बनवाई, ये श्याम के लिए है, तो उसके पास ले जा, वो साजन के घर में होगा। जी माँ जी। बेटी। जी माँ जी। उसे ये मत कहना कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है। यार, कोई अच्छी सी तस्वीर बना, कल पेंटिंग का बहुत बड़ा मुकाबला है। हरा हुआ इंसान क्या मुकाबला करेगा? बाबू, बाबू वो इंसान ही क्या जो हार जाए। बाबू। हाँ, कैसी है? याद करती है। हाँ, वहां जो ठहरी, और पिताजी? खैर, छोड़ो उनको। बाबू, मीरा, तुमने कई बार कहा कि मेरी तस्वीर बनाओ, आओ आज बनाऊंगा। Thank you.
मेरा हाथ पकड़। बहुत थक गया हूं मैं। यार ये तस्वीर तो अधूरी है, इसे पूरी तो कर। मीरा की तस्वीर और पूरी? ये तो शाम की अधूरी है, अधूरी। वाह, नाम की अधूरी कला की पूरी, ये है मेरी पसंद। मैंने तो इसके लिए 5,000 रुपए दे भी दिए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सी तस्वीर और कौन सा कलाकार आज के मुकाबले में जीतता है ये आपको अभी बताया जाएगा, और जीतने वाला कलाकार राय साहब के हाथों इनाम पाएगा। रजनी, शाम की पूरी तो दिख गई, अब देखें उसकी अधूरी के नसीब में क्या है। अधूरी, अधूरी नंबर वन। जज साहिबान का ये फैसला है और कलाकार का नाम है मिस्टर श्याम। गिव हिम ए बिग हैंड। इस तस्वीर के लिए एक साहिबान मिस्टर प्रकाश ने 5,000 रुपए दिए, और 5,000 रुपए का इनाम राय साहब की तरफ से लीजिए, यानी के 10,000 रुपए। आइए मिस्टर श्याम, और अपना इनाम कबूल कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये लीजिए अपने 10,000। राय साहब, मेरे पिताजी का आपके पास बहुत लंबा चौड़ा खाता है, ये 10,000 रुपया उसी खाते में डाल दीजिए। श्रीवास्तव जी, सर आपका टेलीफोन। हेलो, श्रीवास्तव स्पीकिंग। काका, बोलते हैं। आखिर तूने जान ले ही ली, मार ही डाला ना अपनी मां को। धिक्कार ऐसे बैठे पर जिसकी झूठी जिद ने अपनी देवी जैसी मां को बेमौत मार डाला। साजन भैया, पेंटर बाबू का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन इतना पता चला है कि वो दिल्ली चला गया है। कौन जाने इस हाल में होगा पेंटर बाबू। बदली आती है तब आँख मेरी भर आती है। क्या बाबू, स्टेशन फिट है? फिट। ओला बंब दा गोला बोलेगा, अबे जान गया है क्या? अगर तेरे अंदर देवदास नहीं तो ओदे बाप दी रूह जरूर है। पर बाऊ, तुम यहां इतने दिनों से हो, तुमने इतनी तस्वीरें बनाई हैं, कुछ बिक गई कुछ बाहर पड़ी हैं, तुमने दारू की कितनी बोतलें अंदर डाली हैं कोई हिसाब नहीं। पर एक गल सुन ले, क्या? किताबों में भी लिखा है और डॉक्टर भी कहते हैं कि शराब बहुत बुरी चीज है, इसको नहीं पीना चाहिए, पर ये भोला बम का गोला अपने दिल की बात कहता है, ध्यान से सुन ले। और अगर पीनी है तो तुम शराब को पियो, शराब को ये मौका कभी ना दो कि वो तुमको पिए। हाँ यार, अब ये शराब तुझे पीने लगी, और जब ये शराब इंसान को पीने लगती है ना तो उसका टेंशन फिट हो जाता है, मतलब ये कि उसकी चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। खाना खाना ठीक सी ना भाई? अच्छा, सत श्री अकाल। क्या बाबू जी, हो गया स्टेशन फिट? इन तस्वीरों की कीमत क्या है? दिल। तुमने बनाई? ओह बाबू जी, मैं तो पोला बम का गोला
इस ढाबे का मामूली नौकर हूँ, मामूली तनख्वाह पाता हूँ। तो फिर इन्हें बनाने वाला कौन? हमारा यार पेंटर बाबू, वो बैठा है सामने। बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। तस्वीरें बनाई नहीं जाती, बन जाती है। बन जाती है। ये जो अभी बनी है इसकी कीमत क्या है? जो एक बार बिक जाए, नीलाम हो जाए, वो दोबारा नहीं बिकती। मैं इसे दोबारा खरीदना चाहता हूं। मैं इसे दोबारा बिकने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये अधूरी से भी अधूरी है। मेरी नजर में ये पूरी है। ये अधूरी है, और अब देखिए ये पूरी कैसे होती है। अधूरी बिक गई, पूरी मेरे हाथ के नीचे है। अब ये नीलाम नहीं हो सकती, अब ये नीलाम नहीं हो सकती। अगर आपकी इजाजत हो तो बाहर जो आपकी तस्वीरें हैं वो मैं ले सकता हूं। वाह, जीता रहे बाबू, जीता रहे। ये देख नोट ही नोट। कितने? भाई ये नहीं पता, पर सौ सौ के हैं। खरीदने वाले का टेंशन फिट हो गया। एक मिनट ठहर जा, पहले मैं जरा टेंशन फिट कर लूं, फिर बताता हूं। ओए साली का नशा तो कंटे दो कंटे का है। अब तुम मेरे साथ उस जगह चल जहां जाके हर गड्डी का टेंशन फिट हो जाता है। मैं क्या मोतिया भाई, कर दे साडे यार पेंटर बाबू का टेंशन फिट। पेंटर बाबू का कुछ नाम भी तो होगा। हाँ जी, नाम तो शाम है। तशरीफ लाने का शुक्रिया। हो गया टेंशन फिट। अरे खामखा वक्त क्यों बर्बाद कर रही हूँ मोतिया भाई, आज कोई नई धुन, कोई नया गीत हो जाए। जी हाँ, आज आप एक नई चीज ही सुनेंगे। कब तलक शम्मा जली? याद नहीं। शामे गम कैसे ढली? याद नहीं। पेंटर बाबू, कब तलक शम्मा जली में क्या आप मेरा साथ देंगे? यहाँ जो भी आता है सुनता है, सुनाता नहीं। साथी बनना चाहता है, साथ देता नहीं। फिकर ना कर मोतिया भाई, तू डांस शुरू कर, गाना शुरू कर, साडा पेंटर बाबू साथ देके तेरा भी स्टेशन फिट कर देगा। तलक शम्मा जली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। शामे गम कैसे ढली, शामे गम कैसे ढली, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। शामे गम कैसे ढली याद नहीं। इस कदर
याद है अपने थे सभी इस कदर याद है अपने थे सभी इसने क्या चाल चली कब तलक शम्मा जली याद नहीं शाम गम कैसे ढली याद नहीं हम जमाने में कुछ ऐसे भटके हम जमाने में कुछ ऐसे भटके हम जमाने में कुछ ऐसे भटके अब तो उनकी याद नहीं
शामे गम कैसे ढली, 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 याद नहीं। बोल मोतिया। मुझे यकीन है तुम्हारे इस दोस्त को, इस पेंटर बाबू को बहुत बड़ा धोखा दिया है किसी ने। जी, तुम्हारी ये तस्वीर पूरी और ये रही अधूरी। लगता है दोनों एक ही कलाकार ने बनाई है, एक ही पेंटर बाबू ने बनाई है, जो रंगों की जगह पर तिलो जिगर के खून का इस्तेमाल करता है। जी, जिगर की बात को छोड़ो रेनू, सच बात तो ये है, ना ही हम आज तक एक दूसरे के दिल को जीत पाए और ना ही प्यार। और ये भी सच है कि हम आज तक सौहार्द नहीं मना सके। जी, समाज के धर्म ने मुझे आपको सौंप दिया। समाज और धर्म की बात को छोड़ो रेनू, और वो बात सुनो जिसकी मुझे बहुत हैरानगी है। कौन सी? कोई इस बात को नहीं जानता कि पेंटर बाबू कौन है, किस हालत में है और कहां है। हाँ हाँ, यही तो मैं पूछता हूं, वो है कहां? मेरा श्याम, मेरा बेटा श्रीवास्तव। मेरे श्याम ने अपनी सगाई वाले दिन अपनी स्वर्गीय माँ से कहा था, माँ मैं धोखा खा गया, पर धोखा दे नहीं सकता, दे नहीं सकता। श्रीवास्तव, तुम होश में हो? भाई साहब, मैं इस शहर का 23 नंबर 2 था, पन्ना नंबर 1 चाहता था। लेकिन क्या श्रीवास्तव? अब अगर मैं जानना चाहता हूं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मेरा बेटा कहाँ है? भोला। ओ यार, मैं तेरा टेंशन फिट करने के लिए तुझे अस्पताल लेकर आया, पूरे 3 दिन हो गए, डॉक्टर ने टीके लगाए, मैंने शेरों वाली माता की भेंटें गाई, गुरु ग्रंथ साहब के शब्द भी पढ़े। ओ यार, तब तेरा टेंशन फिट हुआ है, तूने आज पूरे 3 दिन के बाद अपनी पंत आंखें खोली हैं। हाँ। बोले, लगता है अपना टेंशन फिट हो गया। मतलब? कागज और पेन देना, मैं खत लिखना चाहता हूँ। किसे? जिन्हें लिखूंगा उन्हें मिल जाएगा। और क्या लिखा है खत में? मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, किस हाल में हूँ, मीरा के सिवाय किसी को नहीं बताना, पिताजी को भी नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध। और अगर वक्त मिले तो टेंशन फिट होने से पहले आखिरी बार मिलना चाहना। टेंशन फिट का मतलब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। आप मीरा हैं, आप साजन हैं। टेंशन फिट? बाबू को क्या हो गया है? दुख, दर्द, ऊपर से शराब, फेफड़े जिगर खराब। फेफड़े जिगर? जी हाँ, इनके लंग्स और लिवर, मेरा मतलब है फेफड़े और जिगर, थोड़े नहीं जरूरत से ज्यादा खराब हो गए हैं। इन्हें दर्द होता है, खांसी आती है और मुंह से खून भी बहता है। वैसे मैंने इन्हें नीम का इंजेक्शन दे दिया है। बाबू। डॉक्टर साहब। यस। इस हॉस्पिटल के कानून के मुताबिक कमरे का और इलाज का पैसा हमेशा पहले दिया जाता है, लेकिन इनसे अभी तक सिर्फ 100 रुपए वसूल हुए। ओ बड़े अफसरा, अस्पताल का नाम जनता अस्पताल, कानून हिटलर का। देखिए साहब, ना ही ये कानून हमारा है और ना ही हॉस्पिटल, आपको पैसे पेशगी देने होंगे। रोज का कितना खर्चा आता है? मैं बताता हूँ जी, कमरा, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ दुवाइयाँ मिला मिलू के 250 रुपए रोज का खर्चा है। 250 रुपए रोज के? 250 रुपए की बात है, टेंशन फिट होता है।
जहां तक जेब का सवाल है ना, अपना भी स्टेशन फिट है। समझ में नहीं आता कि रोज के इतने रुपए कहां से आएंगे। रुपए आएंगे, पैसे आएंगे, इलाज होगा। मगर कैसे? जो लोहा कूट कूट कर अपने नकली और शराबी मामा के लिए पैसे कमा सकती थी, वो क्या पेंटर बाबू के लिए कुछ नहीं कर सकती? हाँ, पेंटर बाबू, एक अमीर बाप का गरीब बेटा। हम कुछ भी रख ले ना मुस्कुरा, कुछ भी रख ले।
साला, कुल मिलाकर 100 रुपए भी नहीं। इससे पेंटर बाबू का इलाज कैसे होगा? कौन पेंटर बाबू? जी ये मेरा दोस्त है। क्या वो बहुत बीमार है? आप जानती हैं उन्हें? मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। इन्हें क्या बीमारी है वो आप लोगों ने मुझे रास्ते में बताया, और इनके इलाज का खर्च अस्पताल वालों ने आप लोगों को बताया। जी हाँ। इससे पहले कि ये जमीन एक और आसमान खा जाए, आप सबको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए ढेर सा पैसा चाहिए। ज्यादा नहीं, परिहार 10,000 रुपए का है, इसे रखिए। सुनिए आपका पता ठिकाना। खाली कोठा और मोहब्बत भरा दिल। भोला, जब पेंटर बाबू अच्छे हो जाएं, तब भी उन्हें ये मत बताना कि ये शाम में गम कैसे ढली। अगर उसने पूछा तो कह देना कि याद नहीं। तुमने मेरे कौन से जन्म का कर्जा चुकाना था मीरा? जन्म जन्म का क्या? मीरा की मुक्ति शाम के हाथ में होती है ना पेंटर बाबू। तुम किसी और युग की बात कर रही हो मीरा, ये कलयुग है, कलयुग। इस युग में तो शाम की मुक्ति मीरा के हाथों है। बाबू, तुमने मेरे इलाज के लिए जो जो किया, भोला ने मुझे सब कुछ बता दिया। मिस्टर श्याम, आपको भावनाओं में बहकर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जी मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब चुल्लू भर पानी कहो या शराब, आप तो डूब ही चुके थे। खैर, अब आपके हमदर्दों और दोस्तों के साथ मेरी भी यह राय है कि आपको बिल्कुल अच्छा होने के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले जाना चाहिए। हम पेंटर बाबू को कश्मीर लेकर जाएंगे। नहीं मिस्टर श्याम, इनकी भावनाओं को समझो। मतलब ये कि भैया अपनी नौकरी पर कुछ दिनों के लिए बम्बई जाएंगे और मैं अपने पेंटर बाबू को लेकर कश्मीर जाऊंगी। कश्मीर तू जितना अमीर, मैं उतना गरीब। तेरी गोद में रहकर कुछ सांसें चुराने आया हूं। शाम बेटे, शाम। अब्दुल्ला काका, रहे नाम अल्लाह का। गुलाब के फूलों की लाली को कागज पर उतारने वाले तेरे चेहरे की लाली किसने चुरा ली? काका, एक गुलाब ने लाली चुरा ली और दूसरा गुलाब लाली देने की कोशिश में है। बेटे, चोट बड़ी गहरी है, इसलिए गहराई से बात कर रहे हो। आओ, चलो अंदर चलकर बातें होंगी। चलो बेटे, आओ बेटे, आओ आओ, आ जाओ बेटे। काका। हाँ। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियां थी, क्या हुआ उनका? रहे नाम अल्लाह का। भगवान को चुराना और बेचना हमारे देशवासियों का काम है, और उन्हें खरीदना और पहचानना विदेशियों का काम है। सच कहता हूं, सदियों पुराने इस मंदिर को भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में यूं सजा रखा था जैसे गुलाब के दो फूल सजे रहते हैं। रेनू, तुमने तो कहा था ये फूल साथ साथ खिलते हैं, साथ साथ टूटते हैं, लेकिन आज एक गिरा हुआ है और एक डाली पर। जी जी। हाँ बाबू साहब, रहे नाम अल्लाह का। इन फूलों के लिए रोजे हशर आ गया। मतलब? जो नहीं होना था वो हो गया। मैं समझा नहीं। फूल फूल से जुदा हो गया। अगर आपकी इजाजत हो तो ये टूटा हुआ फूल अपने कोट में सजा लो। बाबू साहब,
फूलों से सारी कैरी भरी पड़ी है, कोई भी फूल तोड़कर अपने कोट में सजा लीजिए। आपकी इजाजत से ये फूल मैं मेम साहब के बालों में टांग देता हूं। शाम की जिंदगी में अंधेरा छा गया। खैर, तुम खुश रहो। अब्दुल्ला काका, आपने मुझे पहचाना? मैं डॉक्टर प्रकाश, भोला राम के ढाबे पर पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी, आप तस्वीर बना रहे थे। पेंटर बाबू, इनसे मिलिए, यह है मेरी पत्नी रेनू। इन्हें आपकी वो तस्वीरें बेहद पसंद है जो मैं खरीद कर लाया था। उन्हें ये इस तरह सजा कर रखती हैं जैसे कोई पुजारिन मंदिर में भगवान को रखती है। एक जरूरी ऑपरेशन है, चलता हूं। कश्मीर में आपका पता ठिकाना? प्रेम कुटीर। बाबू नहीं, डॉक्टर ने पीने से मना किया है। नहीं, मैं आपको पीने नहीं दूंगी। मैं कहता हूँ तो बोतल। नहीं, मैं कहता हूँ ला बोतल। नहीं नहीं, नहीं बाबू नहीं, नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए, मत पियो बाबू, मत पियो। तुम भी मुझे रेनू की तरह दुख देना चाहती हो? नहीं बाबू नहीं। शाम बेटे, नहीं बेटे नहीं। काका, शाम तो न जाने कौन सी सुबह मर गया। हिम्मत नहीं हारते बेटे, हिम्मत नहीं हारते। काका, वो देखते हो? जख्मों पे नमक? हाँ काका। हाँ, ये रहा नमक, लाओ आपके जख्मों पे लगा दो। काका, काका, जख्मों पर नमक लगाना एक बुरी कहावत है। वो इसलिए कि वो तन बदन में आग लगा देता है, लेकिन काका, काका, जब वो आग बुझती है ना, तो जख्मों का नाम और निशान भी नहीं रहता। शाम के जख्मों के लिए कौन सा नमक है? कहां मिलता है, कहां मिलता है? मक्का शरीफ में या काशी में, कश्मीर में या कन्याकुमारी में? बताओ बेटी, बताओ, वो कौन सी जड़ी बूटी है, वो कौन सा नमक है जिससे मेरा शाम का जख्म ठीक हो जाए? बताओ बेटी, बताओ, वो कौन सा नमक है? मीरा, इस वक्त आपके घर में कोई नहीं, इसलिए चली आई। कहो। पेंटर बाबू ने फिर से जहर पीना शुरू कर दिया। मतलब? एक बार तो वो शराब से बच गया, मगर फिर एक बार उसने अपने आप को मौत के मुंह में धकेल। नहीं मीरा, सच है, सच है, और ये भी सच है कि पेंटर बाबू बच सकता है। कैसे? पेंटर बाबू के सांस की डोरी सिर्फ रेनू नाम पे अटकी हुई है। लौट आइए उसके जीवन में, बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए। लेकिन मैं अब कर ही क्या सकती हूँ? आपको वही करना चाहिए जो एक प्यार करने वाले का कर्तव्य है। लेकिन अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। एक के जीवन में आग लगाकर दूसरे का घर बसाने का अधिकार
आपको किसने दिया? मजबूरी ने। झूठ। ये सच है मीरा, ये सच है। काश काश कोई मेरे दुख दर्द भी जान सकता तो आइए मेरे साथ। कहाँ? प्रेम कुटीर में तड़पता हुआ पेंटर बाबू आपके रास्ते के हर कांटे को अपनी आंखों से चुन लेगा। मीरा, मेरे और उसके दरमियान एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी लकीर है जिसे समाज लोकलाज कहता है। लोकलाज के बंधनों में बांधने वाला ये समाज खुद एक कैदी है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो तोड़ दीजिए ये बंधन, बचा लीजिए पेंटर बाबू को। मीरा, रेणु जी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, बचा लीजिए पेंटर बाबू को, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अब तो आंखों में आंसू भी नहीं जो तुम्हारी झोली में डाल सकूं। जब किसी के लिए आपके दिल में दुख दर्द ही नहीं तो फिर आंसू कहां से आएंगे? मीरा, भगवान के लिए जाओ, कल मालिक काका को भेज देना, मैं इनके साथ आ जाऊंगी, क्योंकि मरीज की जिंदगी डॉक्टर के हाथों में है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। पुलिस मेरे पीछे है और मैं तेरे पीछे हूँ। शेरू, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी और मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेरू, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मौका देख के आया हूँ जाने जाना। तू हर बार मेरे रास्ते में आया, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेरू, मैं तब तक तेरे रास्ते में आता रहूंगा जब तक आकाश में रंग भरा है। भगवान के लिए छोड़ मुझे। किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और शेरू कानून का मुजरिम है। आप लोग जाइए और आराम कीजिए। थैंक यू। और चलाए मेरा। कुछ नहीं बाबू, सब ठीक हो जाएगा। मालिका का पिताजी को खबर भिजवाने गए हैं। साजन, मीरा ने यह खत लिखवाया है और मालिका का ने लिखा है। रिश्ते जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उन्हें जोड़ना है। याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। सुल
रात भी थक थक जाती है मुझे सुलाने की खातिर, रात भी थक थक जाती है पर नींद मेरी तो बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है, जब याद की बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। भगवान, रेनू ने मुझसे और मैंने रेनू से वादा किया है कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। तू क्या तेरा वादा क्या, हर बात तेरी शर्माती है। बदली छाती है तब आँख मेरी भर आती है। पुरानी बातों को थूक दो गुस्सा। एक दिन राय साहब ने भी यही कहा था। नहीं शाम, नहीं, मुझे और तरीक मत करो बेटे, मुझे और तरीक मत करो। नहीं, आपने कहा था कि मैं एक सर्जन हूं, पर हूं कला का
पुजारी, क्या एक कला का पुजारी एक कलाकार को नहीं बचा सकता? हाँ, आओ मेरे साथ। हेलो, हाँ, ओह, ठीक है। ये फोन हॉस्पिटल से था, एक मरीज है जिसका अभी ऑपरेशन करना है। क्या वो मरीज पीटर बाबू से बड़ा मरीज है? ओ, मैं एक सर्जन हूँ। तो मुझे वहीं जाना है जहाँ मेरी जरूरत हो। ड्यूटी इज ड्यूटी। क्या तो क्या पेंटर बाबू को देखना आपकी ड्यूटी नहीं, आपका फर्ज नहीं? अरे तुम तो नाराज हो गए। चलो हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद पेंटर बाबू को देखने के लिए चलते हैं। नहीं, पिंजरे के पंछे को पिंजरे में ही तड़पने दीजिए, कैद रहने दीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर में हूँ। आपको जहां जाना है वहां जाइए। बाबू के मुंह से बहता हुआ खून कहता है कि मीरा, मीरा मेरे खून से रेनू के आंसू ज्यादा कीमती है। मालिका का क्या इस देवी ने मेरे पेंटर बाबू को प्यार में धोखा नहीं दिया? और हाँ, ये मेरे पेंटर बाबू के पिताजी, मेरे पेंटर बाबू के पिताजी, मालिका का पूछो इनसे, क्या ये बाप अपने बेटे की अयोध्या में रावण बनकर नहीं आया? ये है कलयुग के दशरथ। हाँ हाँ, कलयुग के दशरथ। और काका ये है कलयुग की राधा, कलयुग की राधा। लाओ लाओ, लौटा दो मेरे पेंटर बाबू का जीवन, ले आओ इसे होश में, ले आओ इसे होश में, ले आओ इसे होश में। कोई कुछ नहीं बोलता, सब खामोश है, सब खामोश है, सब खामोश है। अगर पंछी को पिंजरे में ही रहना था तो पंछी यहाँ दाना चुगने क्यों आया? जी, अगर मैं अपराधी हूँ तो चला दीजिए गोली। नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे जिंदगी में हार बर्दाश्त नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी आंखों से अपनी हार को देखूं, मैं मरकर जीतना चाहता हूं। नहीं, डॉक्टर प्रकाश, तुम कहां जाओ रेनू, जाओ, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। यह केस मेरा नहीं, लेकिन उसकी बीमारी की वजह और उसका इलाज तुम्हारे पास है। हर डॉक्टर
हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। तो ये लो रिवॉल्वर और इसे मेरे सीने पे चला दो या मेरे बेटे की जिंदगी मुझे वापस लौटा दो। डॉक्टर का कर्तव्य है इलाज करना, जिंदगी देना, जिंदगी लेना नहीं। हाँ, लेकिन अपनी जिंदगी देना आत्महत्या है, पाप है। डॉक्टर, आपके बेटे के लिए बेस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर फारूक, मैं उन्हें भेजता हूं। डॉक्टर प्रकाश, अब तक ना तो तुम रेणु का दिल जीत सके, ना ही उसका प्रेम, और ना ही उसे पत्नी बना सके। रेणु, तुम्हें नींद की दवा दी है, सो जाओ। नींद आएगी तो सो जाऊंगी। प्रकाश, एक डॉक्टर, एक इंसान, एक प्रेमी की हैसियत से तुम्हारा यह कर्तव्य है रेणु और शाम को मिला दो। डॉक्टर प्रकाश, अंधकार से निकलो, प्रकाश में आओ, रोशनी में। आप मुझे कहां लेकर जा रहे हैं? मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें जिंदगी के सारे सुख मिल जाएंगे। जी हरे, मैं एक डॉक्टर हूं, एक सर्जन, मुझे मरीज का इलाज करना है, उसे सुख पहुंचाना है, सुख। अरे आओ बैठो जीप में और लो नाम राम का। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। वादा 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 निभाने के लिए होता है शाम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। मैं वादा निभाऊंगी शाम। घबरा गई? अरे पगली, रास्ते में लाश का मिलना अच्छा शगुन होता है। मगर ये तो देखिए कि लाश किसकी है। चढ़ते देवी पर कुछ फूल लगन के सहरे में, कुछ फूल अर्थी पर चढ़ते हैं, ये उनका मुकद्दर होता है। दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, हाँ वक्त सिकंदर होता है। रेणु, रेणु तुमने हीरा खा लिया?